मैं या जो मैं कहती हूँ आज भी मैं कहती हूँ हमारे हर दर्शनालय तो ये पंपला में हसरी का तो शीत नहीं लगते हैं और अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया है कि आपने साल की उम्र गुजारते ही मुझे पूरे नशे के अंदर और नशे के अंदर शुरू में इतना हमें तो दो चार पैसे उन्होंने पचास तनख्वाह से ले लिया था लेकिन उसके बाद से उन्होंने 75 साल से कभी एक पैसा भी नहीं लिया मुफ्त के इतना बड़ा पूरी जिंदगी अपनी उन्होंने लगा दी शुरू से लेकर आखिर तक बताश जी यहीं रहते थे और हरेक पैसा लेते थे खाना घर से मंगवा के खाते थे और लोगों के साथ लोगों को भी खिलाते थे अपने अपने मेहमानों को भी अपना अपने साथ अपना खाना खिलाते थे और इस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मिसाली जिंदगी बना करके दुनिया के सामने पेश किया। ऐसी मिसाली जिंदगियाँ कहाँ मिलती हैं, इस तरह के लोग कहाँ आज 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 मौजूद है इस दुनिया के अंदर। मेरे भाई और दोस्तों हमको इस मस्जिद के अंदर जा करके उस मस्जिद के अंदर आ करके हमको और उनके पीछे नमाजें पढ़ करके उनकी बातें सुन करके हमको ये याद करना चाहिए कि हमको भी अपनी जिंदगी के अंदर एक ऐसी जिंदगी तामीर करना है कि जो देख करके लोग उसको रश करें और उस जिंदगी को अपनाने की कोशिश करें। मेरे भाई और दोस्तों हमारी जिंदगियाँ बहुत कमज़ोर हैं, हमारी जिंदगियाँ बहुत कमज़ोर हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आ जाते हैं लेकिन हम दूसरी नमाजों में वो इतनी ज़्यादा शफ़क़त नहीं बरतते और इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाते बल्कि बहुत सी नमाजें उनकी छूट भी जाती हैं तभी वो अफसोस नहीं करते। मेरे भाइयों और दोस्तों हमें अपने उस्ताद अपने माम और हमारे जैसे अजीम इदारे के अजीम मोहसिन और उसके चलाने वाले शख्स कैसे ले जाने से हमें जो तकलीफ हुई है हम उसको किस तरह कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम भी अपनी जिंदगी उसी